वेलकम टू दी चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को चिकन लबाबदार की रेसिपी। देखिए, देखकर ही कितना मखमली सा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार घर में। अगर आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हों, पार्टी हो, तो श्योर ये डिश आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 500 ग्राम चिकन है ये। इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी का पाउडर, मिर्चा का पाउडर, और फिर मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके मैं इसे ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसे एक साइड पर रख दे मिक्स करके, और चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन, उसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं उसमें ऐड करूंगी ये कुछ खड़े मसाले। ये सारे मसाले और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं उसको, वो सारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उसकी क्वांटिटी, तो चेक ज़रूर करिएगा वहाँ पर। तो खड़े मसालों को मैं 4 से 5 सेकंड के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पे भून लूंगी। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक, मोटे मोटे कटे हुए हैं क्योंकि हम लोग इसे ग्राइंड करेंगे बाद में। जिंजर गार्लिक को लाइट ब्राउन होने तक 8 से 10 सेकंड के लिए ऐसे ही भून लें। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन, और चॉप्ड अनियन को डालने के बाद इसे भूनेंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही, जब तक कि अनियन का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए अनियन अपना कलर चेंज करने लगा है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अनियन भुन चुका है, अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो, और टोमेटो के साथ अनियन को मिक्स कर देंगे अच्छे से। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, फिर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इन सब मसाले के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर मैं इस स्टेज पे इसे ढककर छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 6 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया, तो देखिए प्याज और टमाटर दोनों बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे मिक्स कर दे एक बार अच्छे से। तो ये हो चुका है, अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे ठंडा करके हम लोग इसे ग्राइंड कर देंगे। फिर सेम पैन मैंने लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को हम लोग फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे डालकर मैं ढककर छोड़ दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए। इसे ढककर छोड़ दूंगी 8 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया। तो देखिए ऑयल भी रिलीज किया है चिकन और पानी भी रिलीज किया है चिकन। तो इसी तरीके से अब हम ढक्कन हटाकर इसे फ्लिप करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो चुका है चिकन, और एक बार चेक ज़रूर करिएगा कि चिकन आपका फुल्ली कुक्ड हो चुका है। तो देखिए चिकन पूरे अच्छे तरह से कुक हो चुका है, फ्राई भी हो चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला, और इसके साथ इसे अच्छे से मिलाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने इसमें थोड़ा कलर के लिए ऐड किया है, आप चाहे तो ऐड करें, ना चाहे तो ना ऐड करें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला कसूरी मेथी, और मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून बटर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है चिकन का। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें काजू का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ताकि ये ग्रेवी को और भी क्रीमी बना देगा। और अगर आपको लगता है कि नमक आपको देखना है तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं, और कम है तो डाल सकते हैं। सब कुछ हो चुका है, सारा कुछ इसमें डाल दिया है, तो बस इसे ढककर लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से सब कुछ घुल मिल गया है चिकन में, और ये हमारी
चिकन लबाबदार बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये हो चुका है तो ये लीजिए, मैंने सर्व कर दिया है गर्म गर्म। आप चाहे तो रोटी, चावल किसी के साथ भी इसे सर्व करें, नान के साथ भी सर्व करें, बहुत ही यमी लगता है ये। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।